एक सेकंड रुकिए, जो ये कलर है मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये होना भी नहीं चाहिए, ये एक अतिवाद का द्योतक है। ठीक है, एके मिश्रा जी एक बात ये बताइए, राम मनोहर लोहिया ने एक जमाने में कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं, और जब बात भगवा की आएगी तो उत्तर प्रदेश की जो जिंदा कौम है क्या 5 साल इंतजार करेगी? राशिद देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जो पहला सवाल ये ओपनिंग क्वेश्चन आपने पूछा था, यहाँ पे देखिए राजनीति को और रंग को, रंग का मतलब है आप भारतीय राजनीति को इतिहास से आप देख लीजिए, धर्म से, जाति से, पाति से आप अलग नहीं कर पाते हैं। राजपूत साहब जी के साथ मैं सर आपको पहले सॉरी बोलूंगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है जो मुझे पसंद आई है, विकास अलग चीज है, धर्म राजनीति भगवाकरण अलग चीज है, इसमें क्या सही है मैं बताता हूँ। राजपूत साहब ने ये बोला, मैं उसको कांग्रेस का स्टेटमेंट मानता हूँ कि धर्म हमारा एक निजी मैटर है। मैं बहुत सम्मान के साथ बोलता हूँ कि काश सारे पॉलिटिकल नेता और पार्टियां इस चीज को माने, लेकिन धर्म आपका निजी विषय है, कर्नाटक इलेक्शन में ये सामाजिक विषय बन गया और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि लिंगायत को हम जो है एक विशेष मान्यता देंगे अगर हम सरकार बना के आते हैं, तो वहां पे धर्म आपका क्यों चुनावी मुद्दा और जो है सामाजिक विषय बन गया? ये जो दोगलापन है आइडियोलॉजी का, फिर भी मैंने आपको बीच में बोला नहीं है सर, मैंने आपको बीच में बोला, प्लीज आप बड़े भी हैं राजनीति में भी सुन लीजिए सर। अरे मिश्रा जी थोड़ा जवाब भी धैर्य रख के जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना सर, मैंने आपको को लेकर के सर, मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना ना सर, आप और ये सरकारी विषय था, नहीं नहीं मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है 10 मिनट सुन लीजिए सर, 10 मिनट नहीं 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। टीवी की अपनी सीमा होती है, हम जनता है, दृष्टि रखिए आप भी।